Question number 1. Boiler is related to A. Steam generation, B. Human waste, C. Storing vegetables, D. Steering. जहाज का जो बॉयलर है वो किस चीज से रिलेटेड है? आंसर इसका है ए, स्टीम जनरेशन। बॉयलर का, जैसे कि पहले भी कई बार हम लोग बातें कर चुके हैं, बॉयलर का काम होता है पानी को उबाल के स्टीम बनाना, जो कि काम आता है फ्यूल हीटिंग के, एकोमोडेशन हीटिंग के, प्यूरिफायर्स में ऑयल हीटिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बॉटम मोस्ट पार्ट ऑफ द डीजल इंजन। डीजल इंजन का सबसे नीचे वाला पार्ट, जो नीचे दिए हुए ऑप्शंस हैं, उसमें से कौन सा है? ए कनेक्टिंग रॉड, बी पिस्टन, सी टर्बोचार्जर, डी एग्जॉस्ट वाल्व। आंसर है ए। जो चारों ऊपर दिए हुए हैं पार्ट्स, उसमें से जो कनेक्टिंग रॉड है वो डीजल इंजन में सबसे नीचे पाया जाता है। वैसे तो डीजल इंजन का सबसे नीचे का पार्ट होता है बेड प्लेट। क्वेश्चन नंबर 3, मेन इंजन इज पार्ट ऑफ द सिस्टम। जहाज का मेन इंजन कौन से सिस्टम का पार्ट है? ए बैलास्ट, बी इलेक्ट्रिकल, सी प्रोपल्शन, डी बिल्ज। आंसर है सी प्रोपल्शन। जैसा कि हमको मालूम है, प्रोपल्शन सिस्टम में मेन इंजन होता है, शाफ्टिंग होती है और प्रोपेलर होता है, जो कि जहाज को आगे ले जाने का काम करते हैं, यानी कि जहाज को चलाने का काम करते हैं। 4, डोमेस्टिक फ्रिज इज रिलेटेड टू व्हाट। जो हमारा फ्रिज है या फ्रिज रूम है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? ए ह्यूमन वेस्ट, बी स्टीयरिंग, सी स्टार्टिंग ऑफ मेन इंजन, डी स्टोरिंग वेजिटेबल। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, फ्रिज, हम अपने घरों में भी फ्रिज का इस्तेमाल चीज़ों को स्टोर करने के लिए करते हैं, तो यहाँ भी आंसर डी होता है, वेजिटेबल स्टोर करने के लिए। शिप्स में हम लोग सप्लाईज एक साथ ले लेते हैं काफ़ी दिनों के लिए, फिर उसको फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं और काफ़ी दिनों तक उसका इस्तेमाल करते हैं। 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ अ डीजल इंजन। नीचे दिए हुए ऑप्शंस में से जो सबसे ऊपर रहता है डीजल इंजन में वो कौन सा पार्ट है? ए पिस्टन, बी सिलेंडर हेड, सी क्रैंकशाफ्ट, डी क्रैंकेस। राइट आंसर है बी सिलेंडर हेड। जैसा कि हम लोग को पहले भी मालूम चल चुका है कि डीजल इंजन के कंस्ट्रक्शन में इन चारों पार्ट्स में सबसे ऊपर सिलेंडर हेड ही मिलेगा। 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ ए डीजल इंजन। नीचे दिए हुए ऑप्शंस में से डीजल इंजन में सबसे नीचे का पार्ट्स कौन सा होता है? ए टर्बोचार्जर, बी एग्जॉस्ट वाल्व, सी बेड प्लेट, डी पिस्टन। राइट आंसर है सी बेड प्लेट। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है, डीजल इंजन के सबसे नीचे का पार्ट बेड प्लेट होता है, उसी के ऊपर पूरा इंजन खड़ा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज विद इन द इंजन रूम। ए पेंट स्टोर, बी CO2 रूम, सी कार्गो पंप रूम, डी प्यूरिफायर रूम। आंसर है डी प्यूरिफायर रूम। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, जो प्यूरिफायर रूम होता है वो इंजन रूम के अंदर होता है, बाकी चीज़ें इंजन रूम के बाहर हैं। ABC ऑप्शंस में जो भी चीज़ें हैं वो इंजन रूम के बाहर हैं। 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विद इन द इंजन रूम। नीचे दिए हुए ऑप्शंस में से क्या इंजन रूम में नहीं है? ए फ्रेश वाटर जनरेटर, बी फायर पंप, सी फ्रिज रूम, डी रेफ्रिजरेशन रूम। आंसर है सी फ्रिज रूम। अब तक तो ये पता चल ही गया होगा हम लोगों को कि फ्रिज रूम इंजन रूम के बाहर होता है, जिसमें कि हम लोग वेजिटेबल, मीट वगैरह वगैरह स्टोर करके रखते हैं। 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विद इन द इंजन रूम। नीचे दिए हुए ऑप्शंस में से क्या इंजन रूम के अंदर नहीं है? ए बॉयलर, बी मूरिंग विच, सी एयर कंप्रेसर, डी जनरेटर इंजन। सही आंसर है बी मोरिंग विंच। मोरिंग विंचेस जहाज की जो रस्सियां होती हैं, जिससे जहाज को किनारे से बांधा जाता है या फिर बगल में आए किसी और जहाज से बांधा जाता है,
उन रस्सियों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। रस्सियाँ मोटी मोटी है, इंसानों के खींचने से खींचेंगी या बांधी नहीं जा सकती हैं, तो मूरिंग विंचेस का इस्तेमाल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जॉब ऑफ एन इंजन रूम रेटिंग। नीचे दिए हुए ऑप्शंस में से इंजन रूम रेटिंग का क्या काम नहीं है। ए असिस्ट इन वॉश कीपिंग, बी पेंटिंग इंजन रूम, सी असिस्ट इन मेंटेनेंस वर्क, डी ऑपरेट मेन इंजन। राइट आंसर है डी ऑपरेट मेन इंजन। मेन इंजन का ऑपरेशन इंजीनियर्स का काम होता है। उसके अलावा बाकी तीनों ऑप्शन ए बी सी इंजन रूम रेटिंग का काम होता है। 11. विच ऑफ द फॉलोइंग इज जॉब ऑफ एन इंजन रूम रेटिंग। नीचे दिए हुए ऑप्शंस में से क्या इंजन रूम रेटिंग का काम है। ए स्टार्ट एंड स्टॉप इंजन, बी ओवरहॉल एयर कंप्रेसर, सी असिस्ट इन मेंटेनेंस वर्क, डी रिपोर्ट टू ब्रिज अबाउट द इंजन कंडीशन। सही आंसर है सी असिस्ट इन मेंटेनेंस वर्क। बाकी तीनों ऑप्शन ए बी और डी जो इंजीनियर्स होते हैं उनका काम होता है। ऑप्शन बी में जो लिखा है ओवरहॉल एयर कंप्रेसर, इंजन रेटिंग वहाँ भी असिस्ट करेगा क्योंकि उसका काम है असिस्ट इन मेंटेनेंस वर्क। मेन इंचार्ज जो होता है वो इंजीनियर ही होता है। 12. बॉयलर इज रिलेटेड टू। बॉयलर किस चीज़ से रिलेटेड है। ए स्टोरिंग वेजिटेबल, बी ह्यूमन वेस्ट, सी स्टीम जनरेशन, डी स्टेयरिंग। राइट आंसर है सी स्टीम जनरेशन। ये मेरे ख्याल से रिपीट क्वेश्चन है। 13. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज रिलेटेड टू व्हाट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट किस चीज़ से रिलेटेड है। ए स्टार्टिंग ऑफ मेन इंजन, बी स्टेयरिंग, सी ह्यूमन वेस्ट, डी स्टोरिंग वेजिटेबल्स। जैसा कि नाम ही बता रहा है आंसर है सी ह्यूमन वेस्ट। शिप से फेंकने से पहले जो भी टॉयलेट का या बाथरूम का पानी है, डिस्चार्ज है, वेस्ट है, इवन गैली वेस्ट भी, वो पहले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट होता है, उसको शुद्ध किया जाता है अलग अलग प्रोसीजर से। जब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पढ़ाया जाएगा तो उस समय उसका डिटेल बताया जाएगा, उसके बाद ही उसका जो पानी है ट्रीटेड वाटर, साफ किया हुआ पानी समंदर में डाला जाता है। आइडेंटिफाई द मशीनरी इन द फॉलोइंग पिक्चर। ए वॉल्व, बी वाटर कूलर, सी बैलेंस पंप, डी प्यूरीफायर। सही आंसर है ए वॉल्व। जो तस्वीर में दिखाया जा रहा है वो एक वॉल्व है। 15. आइडेंटिफाई द मशीनरी इन द फॉलोइंग पिक्चर। तस्वीर में दिखाई गई मशीनरी क्या है। ए प्यूरीफायर, बी वाटर कूलर, सी बैलेंस्ड पंप, डी कार्गो ऑयल पंप। सही आंसर है बी वाटर कूलर, या इसको हीट एक्सचेंजर भी बोल सकते हैं, जहाँ पे कि दो द्रव्यों में, दो लिक्विड या कोई गैस भी हो सकती है, उसके बीच में हीट का आदान प्रदान हो रहा है, या तो एक द्रव्य ठंडा हो रहा है या एक द्रव्य गर्म हो रहा है। 16. आइडेंटिफाई द मशीनरी इन द फॉलोइंग पिक्चर। नीचे दिए हुए पिक्चर को पहचानिए। ए क्रैंककेस रिलीफ वाल्व ऑन मेन इंजन, बी कंप्रेसर, सी ऑयल फिल्टर, डी कार्गो ऑयल टर्बाइन। सही आंसर है सी ऑयल फिल्टर। जैसा कि देखने से ही लग रहा है ये एक डुप्लेक्स फिल्टर है, यानी कि यदि आपकी इच्छा हो तो एक फिल्टर का इस्तेमाल करें या दूसरे फिल्टर का इस्तेमाल करें या दोनों फिल्टर का इस्तेमाल एक साथ कर लें। ये अक्सर आपको डीजल जनरेटर्स के ऊपर में मिलेगा। 17. आइडेंटिफाई द मशीनरी इन द फॉलोइंग पिक्चर। बैलेंस पंप, बी कार्गो ऑयल टर्बाइन, सी एयर कंप्रेसर, डी प्यूरीफायर। सही आंसर है डी प्यूरीफायर। तस्वीर से ही और हमारे पिछले डिस्क्रिप्शन से ही आपको एकदम पहचान जाएंगे कि ये प्यूरीफायर ही है जो कि ऑयल प्यूरिफिकेशन के काम आता है सेंट्रीफ्यूज तकनीक से। आइडेंटिफाई द मशीनरी इन द फॉलोइंग पिक्चर। ए प्यूरीफायर, बी एयर कंप्रेसर, सी कार्गो ऑयल पंप टर्बाइन, डी बैलेंस पंप। सही आंसर है बी
एयर कंप्रेसर। एयर कंप्रेसर को पहचानने का एक तरीका है सिंपल, कि सबसे ऊपर इसके आपको फिल्टर दिख जाएगा जो कि एक्चुअली एयर सक्शन फिल्टर होता है। 19. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मशीनरी। ए एयर कंप्रेसर, बी कार्गो ऑयल पंप टर्बाइन, सी बैलेस्ट पंप, डी ऑक्सिलरी इंजन। राइट आंसर इज डी ऑक्सिलरी इंजन। ऑक्सिलरी इंजन या इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स भी बोलते हैं। 20. द गिवन इमेज इज ऑफ, नीचे दिया हुआ फोटो किस चीज का है? ए ग्लोब वाल्व, बी क्रैंक केस प्रेशर रिलीफ वाल्व, सी एयर कंप्रेसर वाल्व, डी सिलेंडर हेड वाल्व। राइट आंसर इज बी क्रैंक केस प्रेशर रिलीफ वाल्व, जो कि क्रैंक केस के अंदर यदि कोई प्रेशर जनरेट होता है किसी गड़बड़ी की वजह से, जैसे कि ऑयल मिस्ट बन रहा है या आग लगने वाली है या आग लग चुकी है, तो उसका जो भी प्रेशर होगा वहाँ से रिलीज हो जाएगा इस रिलीफ वॉल्व से, और क्रैंक केस को डैमेज होने से बचा लेगा, अधिक से अधिक बचा लेगा। 21. द गिवन इमेज इज ऑफ व्हाट, तस्वीर को पहचानिए ये क्या है? ए नैरो एस्केप, बी ब्रॉड एस्केप, सी इमरजेंसी एस्केप, डी इंजन रूम स्पेस। सही आंसर है सी इमरजेंसी एस्केप। मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी जहाज पे जाएं और पहले दिन आपको जब राउंड पे ले जाया जाएगा फैमिलियराइजेशन राउंड पर, तो आपको इमरजेंसी एस्केप सारे जहाज के दिखाए जाएंगे। उन इमरजेंसी एस्केप को आप ध्यान से देखिए, वो किसी दिन हो सकता है आपकी जान बचा लें किसी इमरजेंसी के समय। 22. व्हाट इज नॉट अ सिस्टम, नीचे दिए हुए में से क्या एक सिस्टम नहीं है? ए बॉयलर, बी प्यूरिफायर, सी एयर कंप्रेसर, डी मेन इंजन। आंसर है डी मेन इंजन। बाकी तीनों ऑप्शन जो ऊपर के हैं वो कंप्लीट सिस्टम के साथ वर्क करते हैं। बॉयलर अकेला काम नहीं करता है, बॉयलर का पूरा सिस्टम होता है, हीट पंप होता है उसका, फिर उसका बॉइलिंग के लिए बॉयलर होता है, उसके बाद में उसका एक कंडेंसर होता है, कंडेंसर से वापस पानी हीट पंप में आके बॉयलर में जाएगा। इसी प्रकार से प्यूरिफायर का भी एक सिस्टम होता है, एयर कंप्रेसर का भी एक सिस्टम होता है।